हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल, लेट्स कम्पीट। तो आज आपके साथ एक छोटी सी टेबल डिस्कस करनी थी एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। एक वीडियो ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, तो एक छोटी सी टेबल रह गई थी, तो ये हम आज डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसमें कुछ नेचुरल सब्सटेंसेज हैं, उनके अंदर कौन से एसिड्स एंड कौन से बेसिस पाए जाते हैं, उसी से रिलेटेड ये टेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द फर्स्ट नेचुरल सब्सटेंसेस इज़ विनेगर, जिसको सिरका कहा जाता है। तो सिरके के अंदर बेसिकली एसिटिक एसिड पाया जाता है। नंबर सेकंड इज़ आर्न्स स्टिंग, दैट इज़ जो चीटी का डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए आपको याद रखने हैं। थर्ड वन इज़ सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स, ईटीसी। देखिए, सिट्रस फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं, तो उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रस से सिट्रिक बना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप ज़रा ध्यान रखेंगे। फोर्थ वन इज़ कर्ड, कर्ड के अंदर मिलता है लैक्टिक एसिड, जिसको दही कहते हैं। स्पिनिच, स्पिनिच के अंदर मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। बेसिकली स्पिनिच पालक होता है, तो पालक के अंदर मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, और ये सीटेट में आया हुआ है, सीटेट 2019 में दिसंबर वाला जो पेपर है उसके अंदर। देन आपका आता है आंवला, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर, आंवला के अंदर और कुछ सिट्रस फ्रूट्स के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, जो कि विटामिन सी है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, फिर आपका आता है टर्मरिंट, ग्रेप, अनराइप मैंगोज, मतलब इमली, अंगूर और जो कच्चे आम होते हैं उनके अंदर मिलता है टार्टरिक एसिड। देखिए, आप ये सब ना याद कर लीजिएगा, बिकॉज इससे सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक छोटी सी टेबल है तो आप याद कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, अब कुछ बेसिस देख लीजिए जो कि आपके डेली यूजेज में मिलते हैं। लाइम वाटर के अंदर मिलता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नंबर सेकेंड इज़ विंडो क्लीनर, जिससे आप अपनी खिड़की या साफ़ करते हैं, दरवाजे साफ़ करते हैं, वो बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप, जो आपकी साबुन होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साबुन बेसिकली एक बेस होती है, तो वो बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो बहुत ही बार पूछा जाता है, पता नहीं कितनी बार ये सीटेट में आ गया है, तो ये आप ध्यान रखें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटा एसिड है, जो कि एसिडिटी के पेशेंट को दिया जाता है, तो इस पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो बस यही छोटी सी एक टेबल थी, ये आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो हमारा सेगमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम जल्दी मिलते हैं साइंस के एक नए सेक्शन के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।